राघव चड्ढा का कहना है कि अकाली दल ते कांग्रेस ने सूबे दे लोकां नू लुटिया ते 8 तो 10 घंटे तक बिजली जा रही है ते उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब नू बिजली दा सरप्लस सूबा मन्या जांदा है ते जदों आम आदमी पार्टी दी सरकार बनेगी तां 24 घंटे बिजली सप्लाई कीती जावेगी। पंजाब में बिजली आती नहीं है और सिर्फ बिजली के मोटे बिल आते हैं। अकाली दल ने और कांग्रेस ने मिलकर पंजाब की जनता को इतना लूटा कि आज पंजाब जो एक इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस सूबा है, पावर सरप्लस सूबा है, उस सूबे में, उस राज्य में सबसे महंगी बिजली मिलती है पूरे देश में। और सबसे महंगी बिजली होने के बावजूद भी बिजली आती नहीं है। 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट हर जगह लगते हैं, हर जिले में लगते हैं। 23 के 23 जिलों में रोजाना 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो ना कैप्टन साहब ना अकाली दल बिजली की इस व्यवस्था को ठीक कर सकता है पंजाब में। सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब और उनके आम आदमी पार्टी पंजाब में बिजली की व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। और केजरीवाल साहब की पहली गारंटी, केजरीवाल की पंजाब के लोगों के लिए पहली गारंटी जो है, उसमें साफ तौर पर यह गारंटी आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को दी है कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में 24 घंटे बिजली मिलेगी। पंजाब में 300 यूनिट बिजली हर महीने, यानी कि एक बिलिंग साइकिल में 600 यूनिट बिजली, दो महीने की साइकिल है वहां, 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी हर परिवार को, फ्री, जिसमें आपको पैसा नहीं देना। और तीसरी चीज, जितने पुराने बिल हैं, जितने आउटस्टैंडिंग है, एरियर्स हैं, जितना बकाया है बिजली का, देनदारियां लोगों की, वो सारी माफ कर दी जाएंगी। ये अनाउंसमेंट, ये गारंटी, केजरीवाल की गारंटी पंजाब के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने अनाउंस।